अच्छे होंगे। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल V2 रिएक्शन पर। तो दोस्तों इसी के साथ हम फिर से हाजिर है आपके सामने एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों आज हम जिस टीजर पर रिएक्शन देने वाले हैं वह है भोला मूवी, जिसके डायरेक्टर अजय देवगन और प्रोड्यूसर भी अजय देवगन ही है। इसके स्टारकास्ट में अजय देवगन, ताबू, संजय मिश्रा ये लीड एक्टर में होने वाले हैं। इससे पहले भी ताबू और अजय देवगन की बहुत मूवी आई है, जैसे दे दे प्यार दे, गोलमाल अगेन, दृश्यम 1, दृश्यम 2 अभी थिएटर में लग रही है। लांड आ रखा है दृश्यम 2 ने, बहुत ही जबरदस्त वाली मतलब रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग चल रही है उसकी, और भी कमाई भी बहुत अच्छी कर रही है दृश्यम 2। आप जाकर थिएटर में देखें। और अभी से ही जैसे कि आप सभी को पता है दृश्यम 2 अभी चली रही है, धमाका करी रही है। इसी के साथ में एक ट्रेलर भी लॉन्च हो चुका है जिसका नाम है भोला। और भाई ट्रीजर देखते हैं किस तरह का ट्रीजर, कमाल का ही होने वाला है, क्योंकि अजय सर इस तरह की मूवी काफी अच्छी ला दी है। एक मूवी थी इनकी शिवाय भी बहुत जबरदस्त मूवी थी, इसी तरह की मूवी थी वो। ये देखते हैं किस तरह की मूवी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, साउथ की एक मूवी आई थी किथी 2019 में, जो जिसका बजट सिर्फ 25 करोड़ था और मूवी ने कमाई थी 106 करोड़, जो ब्लॉकबस्टर हुई थी। ये किथी की ही रिमेक है जो अजय देवगन सर ने बनाई है, लेकिन इसका बजट 100 करोड़ है। और देखते हैं इसमें मूवी कितनी कमाई करती है और किस तरह की होने वाली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हुए देखते हैं टीजर कैसा होने वाला है। ज्योति, ज्योति आज शाम को ज्यादा देर तक खेलना मत है? और रात को जल्दी सो जाना, कल तुमसे कोई मिलने के लिए आ रहा है। पापा, मम्मी, भाई, बहन, दादा, दादी और कौन कौन रिश्तेदार होते हैं, मुझसे मिलने कौन आ रहा है? चलो निकलने का टाइम हो गया। ये कोई कौन है, कहां से आया है, किसी को पता नहीं, और जिसको पता था वो बचा। कहते हैं कि जब वो भस्म लगाता है तो न जाने कितनों को भस्म कर देता है। भैया का नाम क्या है? नाम बताया ना तो तू पैरों पे रह जाए। तो दोस्तों जैसे हमने टीजर देखा, टीजर बहुत जबरदस्त था और मूवी रिलीज होगी 30 मार्च 2023। अभी मतलब टाइम है मूवी, लेकिन टीजर आया अभी, ट्रेलर आना बाकी है। लो भाई फिरोज भाई बता दो जरा कुछ। भाई मैं इतना ही कहना चाहूंगा, भोला मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक काफी अच्छा लगा, जो थीम थी म्यूजिक की, वो बच्चों को जो बात बता रही थी उसके पीछे बैकग्राउंड वो म्यूजिक चला है, लेडीज की आवाज जैसे KGF में, ये जबरदस्त लग गया भाई। मतलब रोंगटे खड़े हो जाए, मुझे सबसे ज्यादा जो अच्छी लग दिया है ना भाई, बैकग्राउंड म्यूजिक बढ़िया लगता है मुझे। मूवी हो कोई सी मूवी हो, उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक सबसे ज्यादा अहम किरदार प्ले कर दिया है मूवी को हिट बनाने के लिए, क्योंकि ये चीज़ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और दूसरी बात, इसमें एक शॉट दिखाया गया अजय देवगन का, ये कार वाला त्रिशूल काट के रखते हैं, ये मुझे थोड़ा सा फरीदी लगा भाई, बिल्कुल सच बता रहा हूँ, फेक सा लगा एकदम से, ज्यादा कार्टून टाइप का, इसमें कुछ ज्यादा मुझे खास ऐसा दिखा नहीं, बिल्कुल ओरिजिनल टाइप भाई। इसे फेक लगा पर मुझे अच्छा लगा है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, अपना अपना नजरिया होता है, इसे फेक लगा पर इतना फेक नहीं था जितना बता रहे हैं चूतिया। और दोस्तों अभी अजय देवगन की इसमें झलक मतलब इतनी नहीं मिली, हल्की सी एक मामूली सी झलक देखने के लिए मिली, हाथ में कुछ ले रखते हैं जो मत्थे पर लगाते हैं वही अजय देवगन की झलक मिली है। और मूवी जो है काफ़ी अच्छी होने वाली है, और जो बच्ची का मतलब किरदार दिखा रखा है और अनाथालय कुछ इस तरह का ही है इसमें मूवी में। सो देखते हैं जब ट्रेलर आता है किस तरह की मूवी है और किस तरह का ये मूवी होने वाली है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया केथी की रिलीज है, केथी तो बहुत जबरदस्त वाली ब्लॉकबस्टर मूवी हुई थी और मूवी भी बहुत अच्छी है, लेकिन ये अजय देवगन ने जो बनाया है मतलब बॉलीवुड में अभी तक रिमेक ही चल रहा है पर इतना कुछ हो नहीं पा रहा, तो शायद इस मूवी से कुछ हो जाए तो वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा, जब मूवी थिएटर्स में आएगी तब पता चलेगा कि भाई किस तरह की मूवी है, अजय देवगन सर ने क्या नया किया है। अभी फिलहाल जो है दृश्यम 2 लग रही है, आप सब जाके थिएटर में देखें, बहुत जबरदस्त कमाई कर रही है और सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है।
जैसा कि आपको बताया भाई, काफी दिनों से बॉलीवुड का हाल जो है बेहाल चल रहा है। अभी दृश्यम 2 आई है, दृश्यम 2 ने संभाला है कुछ, थोड़ा ऊपर मतलब थोड़ा सा गया है। और अजय देवगन सर से फिर से हमें उम्मीद है कि जो ये मूवी आने वाली है भोला, ये बॉलीवुड को दोबारा से लेकर आएगी सामने। तो चलिए दोस्तों, अगर आप तो भाई पठान लेकर आएगी, पठान लेके भाई, पठान का बहुत ज्यादा क्रेज है। 26 जनवरी को लगेगी मूवी, तो तहलका मचा देगी। पहले साल की बड़ी फिल्म लगेगी जो जनवरी में लगेगी पठान, उससे बॉलीवुड ऐसे जाएगा भाई क्रिप्टो की तरह। भाई क्रिप्टो का नाम वाला है, क्रिप्टो तो ऊपर से ऐसा आया था एकदम, कहीं बॉलीवुड भी ऐसे आ जाए फिर से। आने वाला है ना जब बॉलीवुड में, तो वो ले जाएगा शाहरुख खान को, एलन मस्क बता रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको मिल जाएंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।